श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। 20 जनवरी 2024 तिथि है पौष माह के शुक्ल पक्ष की दसवीं और दिन है शनिवार का। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अभी हाल ही में चल रही श्री राम शिव महापुराण कथा में कुछ नए और विशेष उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी और पिछले वर्षों के कुछ उपायों की जानकारी जिन्हें आप कल शनिवार के दिन, यदि आप वीडियो आज देख रहे हैं तो मतलब आज शनिवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 8 उपायों की जानकारी देने वाले हैं। आप चाहो तो कोई भी एक उपाय कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार आप एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं, पर इस शनिवार के दिन का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक उपाय जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपने पिछले कुछ वर्ष पहले की गई शिव महापुराण कथा में काशी विश्वनाथ का नाम लेकर करने वाले एक काफी सरल उपाय की जानकारी दी थी। पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। अगर आपको लग रहा है कि ढैया लग गई है या फिर शनि की 7.5 चल रही है या फिर कोई बार बार बीमार हो रहा है या फिर उसका बार बार एक्सीडेंट हो रहा है या फिर प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं तो उसमें तरक्की नहीं हो रही है, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, हानि ही हानि हो रही है, तो आपको एक काजल की डिब्बी लेना है और शनिवार के दिन काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए उस व्यक्ति के ऊपर से जो व्यापार कर रहा है या फिर जो बार बार बीमार हो रहा है उसके ऊपर से 21 बार उतार कर उस काजल की डिब्बी को किसी पेड़ के नीचे की जमीन के नीचे गाड़ देना है। पेड़ के नीचे की जमीन में आप कोई से भी पेड़ के नीचे की जमीन में गाड़ सकते हैं, बस इतना ही करना होता है। शनि की कुदृष्टि समाप्त हो जाती है, 7.5 ढैया समाप्त हो जाती है और यह उपाय आप सिर्फ एक बार भी करेंगे तो आपको इसका पूरा फल प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। पिछले वर्षों की कथाओं में गुरुजी ने पीपल के वृक्ष में एक सरसों के तेल वाला विशेष उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा था पीपल के वृक्ष में जो सरसों के तेल का दीपक लगाता है उसे जीवन में कभी भी शनि परेशान नहीं करता है। तो आप इस शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपने पिछले वर्ष की कथाओं में बताया है अगर भोलेनाथ आपकी सुन नहीं रहे हैं, आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, आप लंबे समय से लगे हुए हैं, तो आपको एक काफी सरल और आसान उपाय करना है। 2 बेलपत्र और 1 कलश जल लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है और पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। पहली बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए और यह उपाय करते समय भी आपको ऐसा बैठना है उत्तर मुखी होकर कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, मतलब जलाधारी की ओर हो, आपकी पीठ दक्षिण दिशा की ओर हो। इस प्रकार से बैठकर ही इस विशेष उपाय को करना है। पहली बेलपत्र को आपको जलाधारी में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर अर्पित करना है और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद दूसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि इस बेलपत्र की डंडी भी जलाधारी की ओर होना चाहिए। आप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं देखकर कि दोनों बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर किस प्रकार से अर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू करना है और जल अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप कर सकते हैं। बेलपत्र अर्पित करते समय भी आप इन मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और गुरुजी ने कहा जब आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करेंगे तो उस जल की एक धार आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जहाँ पर आपने बेलपत्र अर्पित की है वहाँ पर भी जरूर ले जाना है। गुरुजी ने कहा बस इतना ही करना है, ऐसा आपको लगातार 2 से 3 महीने तक करके देखना है, बाबा आपका हाथ जरूर पकड़ेंगे और आपके जीवन में सुख शांति प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी और जीवन से दुख तकलीफ और कष्ट सब दूर हो जाएंगे। यह विशेष उपाय भी आप कल शनिवार से करना शुरू कर सकते हैं क्योंकि यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। अपने पिछले वर्ष की कथा में गुरुजी ने लक्ष्मी नारायण वाला एक विशेष उपाय बताया था जो कि शनिवार के दिन प्रदोष काल में किया जाता है। गुरुजी ने बताया था शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में कुछ समय के लिए माता लक्ष्मी का निवास होता है और इस समय कोई भक्त माता लक्ष्मी के लिए या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक दीपक भी प्रज्वलित कर देता है तो उसके घर पे माता लक्ष्मी और नारायण स्वयं प्रवेश कर जाते हैं और उसके घर को धन संपदा से भर देते हैं। तो यह विशेष उपाय आप कर्जा मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए कर सकते हैं जिससे आपके घर में धन वृद्धि हो, लक्ष्मी वृद्धि हो। यह विशेष उपाय आप प्रत्येक शनिवार के दिन कर सकते हैं, 4 से 5 शनिवार जरूर कीजिए। आपको बस इतना करना है शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। आप चाहो तो सरसों के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, आप चाहो तो घी के दीपक का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, बस आपको शाम के समय प्रदोष काल में दीपक प्रज्वलित करना है। और प्रदोष काल क्या होता है वही भी आप समझ लीजिए, सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है।
तो आप इस बीच कभी भी जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरु जी के हाल में कथा चल रही है 40 गांव में, जिस कथा का नाम है श्री राम शिव महापुराण कथा। यह कथा जलगांव जिले के 40 गांव में हो रही है, जो कि महाराष्ट्र में आता है। इस कथा में गुरु जी ने शिवलिंग का स्पर्श करते हुए 3 से 4 नए उपाय बताए हैं, जिसे आप इस शनिवार को मतलब 20 जनवरी 2024 के शनिवार से करना शुरू कर सकते हैं, शनिवार के दिन कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जी ने कहा, डॉक्टर ने अगर कह दिया है कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है उसके हार्ट में छेद है, उसकी धड़कन नहीं चल रही है, या फिर वह मानसिक रूप से विकलांग है, या फिर सोनोग्राफी के बाद डॉक्टर ने बच्चे को सही नहीं बताया है और हटाने को कह रहा है, तो गुरु जी ने कहा आपको शिव जी को जल चढ़ाना है और शिव जी पर चढ़े हुए जल को आपको चढ़ाने के बाद, पूरा जल आप जब शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं उसके बाद आपको गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान का जो स्थान होता है उस स्थान पर 5 से 7 बार दबाना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि आपको कहां पर दबाना है। शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है, कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है, वहां पर आपको 5 से 7 बार अपने हाथों से धीरे धीरे दबाना है। इसके बाद जिस हाथ से आपने दबाया है उस हाथ का स्पर्श आपको अपने उदर में कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है, जो भी आपको आता है, या फिर नाम जाप करते हुए इस उपाय को आप कीजिएगा। 15 दिन बाद आप फिर से जांच कराएं, डॉक्टर के पास जाइएगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा। बढ़ते हैं अगले 6वें विशेष उपाय की ओर। इसी श्री राम शिव महापुराण कथा, जो कि 40 गांव में महाराष्ट्र में चल रही है, इस कथा में गुरुजी ने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श से संबंधित एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, ऐसा लड़का लड़की जिनकी उम्र 30, 35, 40 वर्ष हो गई है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, मंगल विवाह नहीं हो रहा है, किसी ने मंगल बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो आपको उस लड़का या लड़की जो भी है उनसे शिवलिंग पर जल अर्पित करवाना शुरू करना है। उनसे कहिए कि रोज शिवलिंग पर जाकर जल अर्पित करें और जल अर्पित करने के बाद बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मतलब आपको एक बेलपत्र लेना है जिसको आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित ना करें, बस एक बार स्पर्श करा दें और बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। और बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। बेलपत्र को अर्पित करने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी बात महादेव से बोल देना है, विनती कर लेना है। बस इतना ही करना है। 3 से 4 महीने में संबंध जम जाएगा, मंगल विवाह होना निश्चित है। यह विशेष उपाय भी आप इस शनिवार से करना शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं 7वें विशेष उपाय की ओर। इसी श्री राम शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने शिवलिंग के कटीय भाग से संबंधित एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, अगर किसी का एक्सीडेंट बार बार हो रहा है या फिर हो गया है, या फिर हार्ट की बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने बाईपास की बोल दिया है, छल्ला डालने की बोल दिया है, अगर व्यक्ति मंदिर तक भी नहीं आ पा रहा है, तो उसके निमित्त यह उपाय कोई भी घर का सदस्य या परिवार का सदस्य कर सकता है। आपको बस उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है उसका स्पर्श करना है। शिवलिंग का कटीय भाग में स्पर्श करते हुए उसे दबाना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि आपको कहां पर दबाना है। दबाते हुए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए उसके लिए बाबा से कामना कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, 1 से 2 घंटे में आपको जवाब मिलेगा कि वह व्यक्ति ठीक होना प्रारंभ हो गया है। यह विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। जब भी आपको उस व्यक्ति के लिए यह उपाय करना हो, आप शिवालय जाकर उस व्यक्ति के लिए कामना कर सकते हैं। बढ़ते हैं 8वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में बच्चा मानसिक रूप से विकलांग है, बच्चे के हाथ पांव में तकलीफ है या अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं, बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा है, या बच्चे के मुंह से लार टपकती है, या फिर उसकी बुद्धि सही से कार्य नहीं करती है, तो गुरुजी ने कहा आपको सबसे पहले उस बच्चे से शिवलिंग पर जल अर्पित करवाना शुरू करना है। बच्चा जिस प्रकार से भी शिवलिंग पर जल अर्पित करे, आप बस उसे शिवलिंग पर जल अर्पित करवाएं। और जल अर्पित करवाने के बाद आप उस बच्चे से कहें कि आपको गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान का यह स्थान है, यहाँ पर आपको स्पर्श करते हुए थोड़ा से हल्के हल्के हाथों से दबा देना है। ऐसा आपको लगातार उस बच्चे से 3 से 4 महीने या फिर 2 से 3 महीने करवाना है। गुरुजी ने कहा बच्चे में आपको विकास देखने को मिलेगा, बच्चे के बुद्धि और विवेक में आपको उन्नति देखने को मिलेगी, विकास देखने को मिलेगा, अच्छे से कार्य करेगा। यह विशेष उपाय भी आप कल शनिवार के दिन से अपने बच्चे से करवा सकते हैं, क्योंकि यह विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं, और इस शनिवार के दिन से करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।